अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वाइल्ड रश। आज की वीडियो एक ऐसे खूबसूरत बर्ड पे होने वाली है जिसकी रूबी कलर की आंखें हैं, कॉपर कलर के उसके पर हैं, ऊपर नीचे से वो ब्लैक है और बैक नेक से थोड़ा थोड़ा वो पर्पल है। टिकटिकी करते हुए और मटर गश्त करते हुए खेतों में, बड़े खुले जंगलों में, लॉन्स में बड़ा ही प्यारा लगता है। ये उन बर्ड्स में से है जो कि अच्छे फ्लायर नहीं होते, मतलब कि अच्छे उड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत शर्मीले, बहुत चालाक होते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो उस दरख्त के ऊपर बैठा है। आज हम उसको कैसे पकड़ेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ। एक बहुत वो तरीका है जिससे आप उस बर्ड को पकड़ सकते हैं। क्या है, उसको थका के आपने उसके पीछे भागना है, भागना है, भागना है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपने उसके पीछे भागना है, उसको थकाना है। जैसे वो थकेगा आप उसको तब ही पकड़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और एक ख़ास बात बता दूं कि ये इतने नाजुक होते हैं, इनको थकाने के बाद अगर आपने इनको पानी पिला दिया तो ये फौरन मर जाएंगे, विद इन अ मिनट ये मर जाएंगे। तो मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है कि मैं इसको दिखा पाऊँ, लेकिन इसको उड़ाना पड़ेगा। हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत अच्छे फ्लायर नहीं होते, हमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं इसको पकड़ने में। तो अभी इसको इसके पीछे भागना पड़ेगा, और भागने के पीछे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये बैठा है, वीडियो काफ़ी लंबी कोशिश होंगे ना बनाऊं, इसके पीछे बहुत भागना पड़ेगा। तो कुछ सीन जो है इसके मैं कट करूंगा, लेकिन अभी वीडियो का बंद, इसका पकड़ना ज़रूरी है। अभी हमारा क्रो फिशर जो है ऊपर अटका हुआ है, काफ़ी घने दरख्त है, ये कांटे काफ़ी हैं, इसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग रहा है और वो सांस ले रहा है अच्छी तरह से। तो मैं कोशिश करूँगा, हवा काफ़ी तेज़ है, मैं कोशिश करूँगा ऐसे ऊपर चढ़ के इसको पकड़ूँ। मैं वो ऊपर अटका हुआ है, मेरा और क्रो फिशर का फासला सिर्फ 2 फीट का है और कांटे बेतहाशे हैं। जो रेगिस्तान में आते हैं वो इस दरख्त से काफ़ी वाकिफ़ होंगे। इसको लोकल लैंग्वेज में करी कहते हैं, करी कांटों से भरी होती है ये, और ज़्यादातर 100 स्केल वाइपर जो है इसी के अंदर होते हैं। मैंने इसकी टांग पकड़ ली है और उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो नली, ओ नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, ये ओ अब मैं थोड़ा खुद सांस लूंगा और थोड़ा इसको सांस देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। आपने देखा इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो इस दरख्त के नीचे बैठ के
थोड़ा सांस लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में शॉर्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। मुझे पहले मेरा बैग दे दो यार। तो ये है हमारा ग्रेटर कुकुल, इसको क्रो फिसेंट बोलते हैं। बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में इसके बहुत सारे लोकल नाम हैं। हमारी ज़ुबान में, हमारे एरिया में इसको जो है कमादी कुकड़ बोलते हैं, क्योंकि ये कमाद गन्ने की फसल में खेतों में बहुत आम पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया के इलाकों में इसको हुक्का बोलते हैं, हुक हुक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जब इसकी आवाज़ कुछ इस तरह से होती है, कू 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 कू, आवाज़ बहुत डरावनी होती है। और इंडिया के ही कुछ इलाकों में इसको महूक बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है साइंट्रोपस सिनेंसिस इसको बोलते हैं। आप देखें कितना प्यारा ये है, इसके पर देखें, ये बहुत अच्छा फ्लायर नहीं होता। ज़्यादातर अपना वक्त ज़मीन के ऊपर जो है मटर गश्त करते हुए अपना शिकार ढूंढते हुए गुजारता है। ये पूरे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बाज़ुकात यूरोप के कुछ हिस्सों में भी इसको देखा गया है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन साउथ पंजाब में आप इसको, सिंध में, फसलों में, छोटे मोटे जंगलों में इसको आप बहुत कसीर तादाद में देख सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और दोपहर के वक्त ये अपने घोंसलों में छुपे होते हैं। कोयल की तरह ये पैरासाइटिक नहीं होते, अपना घोंसला खुद बनाते हैं। इनके घोंसलों को ढूंढना नामुमकिन होता है। आप इनके घोंसलों को अगर ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल के साथ इतनी घनी जगह पे, इतनी तंग जगह पे बनाते हैं कि कोई बंदा, कोई शिकारी जो है इन तक ना पहुंच सके। तो ये अपने घोंसले में 4 से 5 अंडे देते हैं। मानसून के बाद इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है। 25 से 28 दिनों के अंदर इनकी जो है अंडों से हैचिंग हो जाती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत है, इसकी आंखें देखें कितनी रूबी कलर की इसकी आंखें, आंखों के ऊपर इसकी आई लैशेज देखें, इसकी जो बैक गर्दन पे आप ये पर्पल कंट्रास्ट देख सकते हैं, और कॉपर कलर के इसके पंख हैं, और टेल इसकी बहुत नाजुक होती है। अगर मैं हल्का सा इसको पकड़ूंगा और इसने हल्का सा झटका लगाया, इसके सारी के सारी ये पर है ना, पंख, ये उखड़ जाएंगे। इसके पंजे देखें काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी लंबे हैं, जो कि शिकारी को, सांप वगैरह को, मेंढक को, छोटी छिपकलियों को खाने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत इसके लिए कारामद होते हैं। एक मेन चीज़, इनको पकड़ना जो है नामुमकिन सा होता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे भागेंगे, अच्छा हौसला रखते हैं इनको पकड़ने का, तो आप इनको थका के पकड़ सकते हैं। मैंने 3 घंटों के अंदर, तकरीबन 3 घंटों के अंदर इसको पकड़ा है। 3 घंटे इसके पीछे भागा हूँ, ये थका है, फिर इसको पकड़ा है मैंने। तो एक और मेन चीज़, अगर आपने इसको थका के पकड़ लिया है, उसके बाद आपने इसको हल्का सा भी पानी पिला दिया या इसकी चोंच पानी के अंदर भिगो दी, डिबो दी, तो ये विद इन अ मिनट ये मर जाएगा। अब आते हैं इसकी खुराक की तरफ। ये ग्रेटर कुकुल, क्रो फिसेंट, कमादी कुकड़ खाता क्या है? ये वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। ज़मीन पे आपने अक्सर इसको देखा होगा, ये बिच्छू खाता है, कैटरपिलर खाता है, छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, और अपना जिसका जितना इसका वज़न है उतने वज़न का ये सांप भी खा जाता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वेजिटेरियन इसलिए है, ये कि कड़वे बीज खा लेता है, जो है फल, छोटे मोटे फल जो होते हैं वो खा लेता है, इस वजह से ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं। इसके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत अफवाहें ये हैं कि अगर इसको आप थका के, उड़ा उड़ा के थका के इसको जो है खाएंगे, तो टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और दमे की बीमारी, सांस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वो सारी की सारी बातें मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो काइंडली कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे काम आ सकती है, बाकी जो इनके ऊपर रिसर्च करते हैं उनके काम आ सकती है। तो ये थी क्रो फिसेंट, ग्रेटर कुकुल, हुक हुक, महूक और कमादी कुकड़ के बारे में एक शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर, एडवेंचर से भरपूर और सरफिरी वीडियोज़ को देखने के लिए अभी मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड रश सब्सक्राइब करें। तो अभी टाइम है इसको रिलीज़ करने का, पहले एक किस्त बनती है। अभी ये प्रॉपर तरीके से उड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये थका हुआ है, तो ये भागेगा, ये भागता किस तरह से अभी देखिएगा। बाय।